वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। सो कैसा आप सब, आई होप कि आप सबको बहुत 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 अच्छे होंगे एंड सेफ भी होंगे। सो गाइस, आज मैं एक यूनिक सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि मैं अब तक नहीं की हूँ गाइस। सो गाइस, मैं शिव भगवान का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो देखते हैं मैं कहाँ तक कर पाती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैं कर पाई हूँ कि नहीं। चलिए देखते हैं मैं इस लुक को कैसे क्रिएट करती हूँ। सो गाइस, पहले मैं निविया का मॉइस्चराइज़र ले लूँगी, इसे अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी गाइस। सो गाइस, अभी मैं कंसीलर ले लूँगी गाइस, इसे अपने आईज़ के नीचे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दूँगी गाइस। देखिए इस तरीके से। सो गाइस, इसे मैं चिन में एंड जॉ लाइन में भी थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी गाइस, फिर थोड़ा सा फोरहेड में भी अप्लाई कर दूँगी गाइस। ये देखिए इस तरीके से। एंड उसके बाद अपने उंगली के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी गाइस। देखिए इस तरीके से ब्लेंड करना है आपको। सो गाइस, इसके बाद मैं ये पैलेट ले लूँगी जो कि पेंटिंग का है। मेरे पास फेस पेंटिंग का पैलेट नहीं है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, पेंटिंग वाला पैलेट। सो इसमें से मैं ब्लू कलर ले लूँगी गाइस। ये देखिए इस तरीके से आपको अप्लाई करना है ब्लू कलर। देखिए नीचे में भी, अपने गाल में भी अप्लाई कर लेनी है। देखिए अच्छी तरीके से। सो गाइस, आईज़ के ऊपर थोड़ा सा डार्क करके डालूँगी जैसे कि आई शेडो डालते हैं। एंड थोड़ा सा नोज़ को कॉन्टरिंग दूँगी यही ब्लू कलर से। देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैं कंसीलर ले लूँगी गाइस, थोड़ा सा मतलब स्मूथ बनाने के लिए पेंटिंग को, क्योंकि थोड़ा सा पैची पैची लग रहा है, तो स्मूथ बनाने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ये देखिए। सो गाइस, इसके बाद मैं ब्लैक कलर का जेल काजल ले लूँगी, इसे मैं अपने आईब्रो बनाने के लिए यूज़ करूँगी गाइस। थोड़ा सा मोटा बनाना है नॉर्मल से आपको आईब्रो, तभी आप का आईब्रो दिखेगा अच्छी तरीके से। एंड थोड़ा सा डार्क बनाना है गाइस। सो गाइस, इसके बाद मैं आईलाइनर ले लूँगी गाइस, इसे भी आपको थोड़ा सा मोटा करके डालना है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है गाइस। एंड थोड़ा सा लंबा खींचना है आईलाइनर को। देखिए इस तरीके से। वही सेम आईलाइनर से आपको नीचे भी कर लेनी है गाइस, थोड़ा सा मोटा करके इसे भी। देखिए हो गया। उसके बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी, अपना आईज़ को भर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए। सो गाइस, इसके बाद पेंटिंग पैलेट से मैं वाइट कलर ले लूँगी, इसे अपने फोरहेड में इसी तरीके थ्री लाइंस जैसे कि शिव भगवान के फोरहेड पे होता है वैसे बनाऊँगी गाइस अभी। ये देखिए। सो गाइस, इसे थोड़ा साइड से मैं देखिए खींच दूंगी ऐसे तरीके से ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो गाइस, अभी मैं ऑरेंज कलर ले लूँगी सेम पेंटिंग पैलेट से, इसे मैं ये देखिए इस तरीके से बना लूँगी अच्छी तरीके से। बनाना है गाइस आपको। एंड थोड़ा सा आईज़ को हैवी रखूँगी, मतलब ब्लू कलर दे दूँगी आई शेडो के जैसे। एंड उसके बाद मैं काजल ले रही हूँ, इसे थोड़ा सा लिप को लाइनर करूँगी गाइस, लिप लाइनर के जैसे काजल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ताकि थोड़ा सा लिप थोड़ा सा खिल जाए गाइस। देखिए उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, रेड कलर की यूज़ कर रही हूँ गाइस, तो ये मुझे शेड नहीं अच्छा लगा, तो इसे मैं ब्लेंड करूँगी दूसरा एक शेड से जो कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का शेड है, तो ये थोड़ा सा ठीक है गाइस, सूट कर रहा है। सो गाइस, एट लास्ट मैं गले को भी पेंटिंग कर ली हूँ, एंड जिस तरह से मैं फोरहेड पे बनाई हूँ उसी तरह गले पे भी बनाई हूँ। एंड थोड़ा सा रुद्राक्ष टाइप का मैं माला पहनी हूँ देखिए, एंड हेयर्स को थोड़ा सा मेसी रखी हो। सो गाइस, ये देख सकते हो आप मेरा फाइनल लुक। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा गाइस। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।